नमस्कार, जिला पंचायत से ही आज अपना का ही एक मुद्दा दिखाई थे भाई भ्रष्टाचार ए में के पर्ची चिट दिन जावा करा थी कोटेदार द्वारा और यह चिट अगर हेरा गए तो उखा कौनो में के अनाज नहीं दिन जाता है। यह चिट दिन जाती भाई ग्रामीणन का ही जेखा खाद्यान्न दिन जात हे ओकर ये चिट दिन जाती और फिंगर लगवा लीन जात हे। एक बाद अगर ये चिट हेरा गए तो ओकर खाद्यान्न लैप सोई जात है और वह खाद्यान्न का ही खा लीन जात हे केके द्वारा कोटेदार द्वारा। यह अपने को बताई कि जौन हुआ गांव के कोटेदार है ओकर परिवार में ओकर मिसेस सरपंचो हई ओकर भाई समिति प्रबंधक हैं। अयम एक भ्रष्टाचार चल रहा है कि ये लोग शिकायत पर शिकायत कह रहे हैं लेकिन ओके द्वारा भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किन जाता है और अधिकारी हैं कि सुने का तैयार नहीं आई। ऐसे ही पूर गांव आज इकट्ठा हो के ही फिर से आए हैं जिला पंचायत में ही अपन या शिकायत करी निभे आई अपना पंचन का मिलवाई थे और जानी थे कि का पूरा बात क्या हुआ है। निसार आलम का पूरा बात मामला। हम पूर्व जनपद सदस्य हैं सियावल जनपद पंचायत के। वहाँ जो कोटेदार हैं योगेश तिवारी एक जगह कोटा उनका है दुधमनिया में ओकर सेल्समैन है दूसर समूह से चलाए हैं अपनी बिटिया के नाव से अनुराधा तिवारी बाकी में और उनकर पत्नी वहाँ का सरपंच हैं। वो क्या करते हैं कि सब आदमी की चीट बाँट दी 10 दिन 12 दिन पहले और चीट दे दें कि चीट दा और फिर हम नंबर बाई नंबर देव अगर वो चीट गुम जाए तो उनके खाद्यान्न न दें। और दोनों दो महीनों का जैसे मान लीजिए आवत है गल्ला तो दोनों महीना की बीच में वो अंगूठा लगवा ली एक बार नहीं दुई बार लगवाई एक महीना के दही एक महीना के न दी। ऐसे ना संज्ञान में आवा कि दूसरे पंचायतन में 8वां महीना का गल्ला मिल गया लेकिन वहाँ गल्ला नहीं दिन गया। एकर शिकायत पहले कलेक्टर साहब की दिन गई रही और वहूँ दिन गया रहा और अब बीच में एक सप्ताह पहले जिला का खाद्य अधिकारी वहाँ जाँच भी कर रहे हैं जिनमें गाँव के सब लोग बताएं कि हम आप जन की गल्ला नहीं मिला है और दुधमनियों पंचायत का सरपंच और वहाँ का गांव वाले आए कहीं हमारे भी यहाँ नहीं मिला तो कहीं ठीक है बाकी भी वो जाँच वूँच करें तो वहाँ सही पावा गया। एक बाद जब दुधमनिया आए तो दुधमनिया में जो उन खाद्य अधिकारी जिला से गए हैं कलेक्टर साहब भेज रहे हैं वो गाड़ी नहीं रोकी चलाएँ और उनके द्वारा गल्ला नहीं दिन जात और आदमी से कहते हैं कि अगर फिंगर न लगा हुआ दुधमनिया में खाद्य अधिकारी चेकाई नहीं करें दुधमनिया में चेक कहीं ना कहीं खाद्य अधिकारी की भी मिली भगत एकदम मिली भगत है। पूर्व में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री उनका लेटर पढ़ रहा है विशाहू लाल सिंह जी के जेके कि वो पत्राचार यहाँ के प्रभारी मंत्री मीना सिंह की करे रहे हैं और मीना सिंह कलेक्टर साहब के दिन कलेक्टर साहब पत्राचार कर रहे हैं जनपद सीओ और एसडीएम साहब की लेकिन वो 2-3 महीना पहले जांच बस वैसे बस्ता में पड़ी है और जब उनके वक्त कहा जाता है तो वो कहते हैं कि जा हमारे जहाँ शिकायत करे कि वो कह दे हमारे कुछ न हो और अगर ऐसे नहीं करब तो हम बीपीएल से नाव काट दे पंचायत से जो प्रधानमंत्री आवास या और जो गरीबी रेखा में नाम उम है तो वो कुछ नहीं मिली तो ऐसे ग्रामीण उनसे भय खाते हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। लेकिन पिछले बार वो जब पूरे गांव की नहीं दें तब इनकर आय के शिकायत करी तो हम पति चाहते हैं कि एमए जाँच हो जाए जो उन दोषी अधिकारी हों उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो सत्यता हो तो वो सामने आ जाए और ग्रामीण की तरह से परेशान न की जाए। अब एकर शिकायत कहाँ कहाँ करन एकर शिकायत यहाँ जन सुनवाई में करन कलेक्टर साहब के यहाँ करन और एकरे पूर्व में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री विशाहू लाल सिंह और मीना सिंह और पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह मराबी के पास करे रहे हैं जेकर जांच कलेक्टर साहब करे रहे हैं लेकिन ओकर अब तक कुछ नहीं भय। अब खाद्य आपूर्ति अधिकारी के 46-47 लाख के कहो FIRO करी निकल लगे ही हाँ वो पेपर के माध्यम से संज्ञान में आवा है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के इतना आवा है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मतलब मामला नहीं है। पेपर के माध्यम से और मोबाइल और अखबार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। क्षेत्रीय विधायक जो कमलेश्वर पटेल जी हैं आपके सिहावल के वो कहते हैं बार बार कि हम अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए सदैव समर्पित और तत्पर रहता हूँ लेकिन आपके मुद्दे पर उनकी क्या पहल हुई। क्षेत्रीय विधायक कमलेश्वर पटेल के पास इस संबंध में लोगों ने फ़ोन के माध्यम से बताया था और इसके बाद अभी वो ग्राम स्वराज अभियान और भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत व्यवहार खार से शुरू किए थे तो व्यवहार खार मढ़ौली बघोर दुधमनिया इधर होते हुए और जो बाकी में जहाँ का मामला है उस गांव को छोड़ दिए और जब लोगों ने उनके घर जाके बताया कि आपने ये गांव को कोई छोड़ दिया है तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ थोड़ा वो लफड़ा
मामला है, कब्रस्तान का जो 11,74,000 पैसे का गबन उबन का मामला है और कुछ खाद्यान्न का है, क्योंकि इसकी शिकायत पूर्व में अजय प्रताप सिंह के पास भी वहाँ किया गया था। बाकी में जो कब्रिस्तान के गबन है वो कैसे द्वारा किया गया है? सरपंच की पत्नी के द्वारा। सरपंच की पत्नी का नाम है देवकली। देवकली जी, कब से हैं सरपंच? ये सरपंच पिछले पंचवर्षीय रही, अहिंदाई फेर हो गई हुई। या माने कि अपना पसंद की ये जितने जने हैं को कहीं नियमित रूप से ही खाद दे नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। ये देखिए पूरे गांव का गांव आवा हवे आज यह शिकायत लेके ही पूरे गांव वाले आए हैं, मैं दुधमनिया बाकी से ही और यह अधिकारी का ही कई एक बे सूचित कर चुके हैं, लेकिन एमें कौनों में के कार्यवाही नहीं हुए, तौने से आज ही पूरे इकट्ठा हो के फिर से एक बे जिला पंचायत आए हैं, मैं अपन शिकायत कराए और अपन दुख रोब। अब यह देखे वाली बात होती है कि का अब इनके साथ न्याय हो पाई के इनकर हक यह में के मार दीवा जी जो में के मारा है। का नाम है अपना? मैनुद्दीन अंसारी। का मामला है? मामला यह है कि अगस्त माह के ग्राम बाकी के और दुधमनिया पंचायत के किसी को गरीबों को गल्ला प्राप्त नहीं हुआ है, और वो कोटेदार क्या करते हैं 10 दिन पहले चिट काटते हैं, चिट कागज में लिख देते हैं, उसमें कोई डेट नहीं रहता है। अगर किसी बस बारिश से या कहीं जेब में डालें अगर वो चिट गुम जाएगा, किसी को गल्ला प्राप्त नहीं होता, कहते हैं कि आपको मैंने चिट काटा था, अंगूठा लगा दिया, आपको गल्ला मिल गया है, इस तरह से वो व्यवहार करते हैं। पंच हुए वहाँ दो बार से पंच हैं मैनुद्दीन। अच्छा। और मैं वार्ड क्रमांक 5 से मेरी पत्नी पंच है और वार्ड क्रमांक 16 से मैं स्वयं पंच हूँ। आज मैं जनसन दोनों लोग जी जी एक जब शिकायत करें तो अधिकारी गए वहाँ का अधिकारी जांच करने की आपूर्ति अधिकारी गए थे। हाँ। वहाँ पे 150 लोग मौजूद थे, वहाँ पे अधिकारी ने बोले यहाँ पे किसी प्रकार कोई वीडियो नहीं बनाना है, ना तो कोई फ़ोटो खींचेगा, अगर कोई फ़ोटो वीडियो बनाता है तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दूँगा, और 3-4 लोगों से पूरा कागज़ में साइन करवाए और वहाँ से अधिकारी को चुपके चले, जो क्योंकि ग्राम में दुधमनिया से भी वहाँ सरपंच भी मौजूद थे, उन्होंने बार बार कहा कि मेरा भी रिक्वेस्ट सुन लिया जाए, क्योंकि मेरे दुधमनिया के भी किसी प्रकार गल्ला नहीं मिला किसी को अठमा माह के। हाँ, अधिकारी से उन्होंने सुना नहीं और चुपके वो चले गए, और पीछे से कोटेदार ने बुलाया फ़ोन करके और उनसे मिले होंगे और जो भी प्रक्रिया की होंगे। जी अपना कौन गाँव है अपना के? ग्राम बाकी। क्या मामला अपना बताइए? ये कोटा वोटा नहीं देते हैं अगस्त तिवारी। क्या महीना से गल्ला नहीं मिला? एक महीना गल्ला बिल्कुल नहीं दे आई हैं, हैं अठवा महीना गल्ला बिल्कुल नहीं दे आई हैं, और तगाड़ी रखे हैं वह सब्जी बेचे वाला। अच्छा। पसंघव नहीं आए। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं आए? हाँ हाँ, वह तगाड़ी वाला है, सब्जी बेचे वाला है, और वहीं में गल्ला दे था, और आहड़ा मारा था, 70 किलो गल्ला है तो 60 किलो हुआ थे, और उनसे कहा तो कहा था कि हम लगाए 4 मजदूर लगाए हैं, तो मजदूर इनके कहाँ से पाएंगे हैं, और जो उन्हें तो माने ऐसे दे ले खो ले, नहीं तो ना ले, अगर ना ज़्यादा बात करबा तब नाम काट दे, सरकारी खाता जोते हैं तो कि हम लाई लेब, कुछ सरकारी खाता हम जोते हैं तो कहा था कि हम लाई लेब, तो अगर भी आप अधिग्रहित किए जी पुस्तैनी है तो आपस ले लेब, हम यहाँ फील्ड बनवा देव, मरण से धबका बनवा देव, तमाम माने दुनियादारी बता, बस यही बात है साहब, कोटा बराबर नहीं मिलता है हम लोग। सीट दे थे चीट है जो सीट देवा करा थे, यह देखिए यह मैं के चिट देवा करा थे कोटे द्वार, और यह गल्ला देवा करा थे, यह चिट माही, और यह चिट हरा जाए या गुम जाए तो ये फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा गल्ला। अंगूठा लगवा कि ये चिट दे था? हाँ, अंगूठा लगवा दो बार। अच्छा, एक महीने में 2 बार लगवा दो? हाँ, 2 बार। हाँ, अब कई महीने से गल्ला नहीं मिला है? अब 8वां महीना गल्ला नहीं मिला है साहब। अच्छा, अब यही महीना का नहीं मिला है? यही महीना का नहीं मिला है, चिट भर काट दे हो गया। का नाम है अपना? मोहम्मद सगीर। क्या समस्या है? समस्या ये साहब, गल्ला नहीं मिलता है, 8वां महीना का नहीं मिला है, तगाड़ी का भाड़ा नहीं लगाए हुए हैं, आपको खाद्यान्न नहीं मिला, 8वां महीना का नहीं मिला है, इस महीना का अभी मेरा चीटी नहीं कटा है। जब उनसे कहा कि हमका खाद्यान्न चाहिए, कहा था कि BPL में नाम काट देंगे, कर देंगे, धमकी दे, हाँ नाम काट देंगे, शिकायत करें अपना कहाँ निकल साहब, योजनाओं से वंचित करने का धमकी दिया जाता है। हाँ हाँ, कुछ बात होगी तो आकर के बोलेंगे, धमकी देंगे, शिकायत अपना करें। कहाँ निकलें साहब? अपना मोहम्मद हुसैन। क्या समस्या? समस्या ये गल्ला सर, 2 महीने से गल्ला हम लोग को नहीं दिया गया, 8वां 9वां महीना के, जिसमें अभी चीट कटा हुआ है, ये बोलते हैं 9वां के 8वां के नहीं दिया जाएगा, मिल गया देखिए कभी महीना गेहूँ का अभी पिछला नहीं मिला था, 7वां महीना में चावल मिला था ज़्यादा, 10 किलो गेहूँ मिला था,
अभी हम लोग आपको शक्कर भी मिलती है? शक्कर नहीं मिलता है, शक्कर नहीं मिलता, नमक भी आज नहीं मिला है, दो तीन महीना हो गया नमक भी नहीं मिला है। जबकि हर उचित मूल्य के दुकान में प्रशासन के द्वारा शक्कर भी जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये देखिए पूरा गांव कोटेदार से त्रस्त है। ये कोटेदार के शिकायत लेके आज यहाँ जिला पंचायत में आए, मंगलवार के जन सुनवाई में ही यह दुधमनिया बाकी के है। बतावा जाते के अधिकारी खाद्य अधिकारी जाते मैं और खाद्य अधिकारी कोटेदार से मिल लेते मैं और चले आवाते मैं। का सुन नाम है? हमारा नंदलाल साहू नाम है। समस्या है अपना के गांव? समस्या सिर्फ ये है कि उसमें सरकार के द्वारा जो काटा दिया गया है उसको काटा होना चाहिए, सही गल्ला मिलना चाहिए, और गल्ले में भी धुंधलेबाजी होती है। यदि कोई कुछ बोलता है, जैसे हमारा उसमें आवास में नाम था, फोटो लिए थे दिखावटी, फिर हमारा उड़ा दिया, हमारा आवास नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, ये सब जानते हैं। नंबर जानी थे उनका? नंबर तो नहीं। अच्छा, अपना का ही माने के हितग्राही हैं अपनों को गल्ला मिला था? हाँ, गल्ला हमको मिलता है। हाँ, सिर्फ आवास के नाम काट दिया? आवास मतलब फोटो खींचे थे, हमको आवास नहीं मिला है। अच्छा, हमारा नाम नहीं था। अच्छा, हाँ। अपना का? अली हुसैन। कोटेदार के समस्या? हाँ, कोटेदार समस्या। कई महीने से गल्ला नहीं मिला? आठवां का नहीं मिला है, और अब नौवां का चीट काट के दे हैं। नमक शक्कर दे था का कुछ दे था? हाँ, नमक भर दे थे। और का नहीं मिला था? सबसे ज्यादा तराजू है, सब्जी तोले वाला कांटा रखे हैं, अपना पसंगा बना हुआ। अगर 100 किलो ले मिला था तो सीए कढ़ी और 20 किलो डाणी मान लेते हैं। ये अपना तौले? हाँ, हमारे अपने घरे तौली थे, प्याज के कहा था वहाँ, तो फिर कहा था कि इतना हमके दे दे। हाँ, हाँ। अच्छा, यह देखिए यह में के मामला हवा कि यह खाद्य आपूर्ति अधिकारी जाता हूँ चेक करे, लेकिन कौनों में के ही ध्यान नहीं दिन जाता। ये पचे आए हैं मैं कि या मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचे इनकर पचन के, और एक हर निराकरण होए कि इनके हक में जौन आवत है वह कम से कम दे दिन जाए, और जौन इनके लगे हवे उखा तना मारा जाए, लेकिन इन्हों उनके पेट मार के ही कोटेदार द्वारा खा लीन जाते हैं। लालता प्रसाद साहू, ये बताइए कि समिति प्रबंधक को है? समिति वो गैस है उनकर को वहीं कोटेदार के? कोटेदार का वो वहीं लड़का है। कोटेदार के लड़का है? लड़का है। हाँ, समित प्रबंधक? समित प्रबंधक। हाँ, बाप कोटा चलावत? हाँ, बाप कोटा चलावत है, मेरी सरपंच है। कोटेदार का नुगेश नाम है। हाँ, उन्हीं के मलकिन सरपंचो? सरपंचो हैं। गल्ला नहीं देते हैं, पंचायत भवन में नहीं धरते हैं, गल्ला ले जाता स्कूल में जाता, खिड़की बनाया था ले जाता, अपने दुआरे धले था, गाड़ी लगा कर रात में सो जाते जनता, तो ले जाते बेच देता ब्लेक। यह देखिए यह में के भ्रष्टाचार हवे के मेहरिया सरपंच अपना कोटेदार बाप प्रसमित प्रबंधक, अब यह में वहीं कहाँ से लोगन का गल्ला मिली है? पूर्व पंचायत तो एक ही घरे से हमा पूर्व प्रतिनिधि, तो पूर्व प्रतिनिधि मिल के ही जब पूर्व घर मिल के ही पूरे गांव का ही पूरे गांव के पेट मारे देत लाग हमा चाहिए। पूरे गांव के पेट मार दिल गल्ला ले जाते, मेरे कह देता कि हमारे पुलिस लगा के पकड़वाओ जी, तो लेखो तो लेने जो पावत जाए नहीं भगा जाए नाव काट दे, ये कहा था। हाँ, एक शिकायत करें अपना शिकायत जब यह सबकी समिति में हल्ला सब शिकायत करें, सबको दस्कर लगाया उन्हीं में। हाँ, कौनों में निराकरण हुआ? अब आप कुछ नहीं भाई का निराकरण, पैसा अधिकारी जाता था लाइक दे के चलाया आवा था, पैसा देता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जौन अधिकारी पैसा लाइक चले आवा थे मैं, इनसे इनका हौसला और दिन ब दिन बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाते हैं, हौसला नहीं देते हैं, जाँच नहीं करते सही ढंग से, पैसा ले लेते चलावा तो कहते हैं ठीक है काज पर हो गया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह यह कहे हैं कि यह में के भ्रष्ट कोरन का ही सजा दिन जे यह में के भ्रष्ट कोरन का सब कहां कुछ सुनवाई नहीं है, सब लूटा लूट है। लूटा लूट है। आवे वाले टाइम में ही का चाहिए थी ये सरकार का चाहिए थे कि करें पब्लिक की सेवा हो, जनता की सेवा हो, बाकायदे से जैसा सरकार देती है उसे सरकार के हिसाब से दें, कोई तकलीफ ना हो जनता की, अच्छा अच्छा मनावा, अच्छा अच्छा रहा। अपना का नाम है? मोहम्मद फारूक सर। का समस्या? ये सही कहा लागे? हाँ, सही कह रहे हैं सर। भाष्टाचार में के कोटेदार? हाँ, भाष्टाचार कोटेदार मेरे को मालूम चला तो मैं कोटेदार के पास गया। हाँ, बोले भैया आप ये बताइए नौमा आप चीट काट रहे हैं, आठवा गल्ला मिलना चाहिए। हैं, उनके घर गया, हम कन दो चार आदमी का आप ओढ़े हुए देने के लिए, जो आपके पीछे माने बंदूक चला रहे हैं उसको दे रहे हैं, तो हम लोग का गल्ला कहा कि मैं फारूक किसी भी नहीं हो, जो शिकायत के उसको देने के लिए बोल रहा है। आपका नाम 36 आदमी किसी ने लिखे हैं, जब 36 आदमी लिखे हो दो चार दस आदमी मेरा भी लिखो। हैं भाई, आप एक महीना गल्ला पीछे आ रहा है, और पीछे आने के बाद आप सात दिन में आप चीट काट रहे हैं, तो नौवा महीने चीट काटा है अभी गल्ला नहीं मिला है, नौवा आठवा गल्ला नहीं मिला है, और दसवा का दबाव चालू किया है काटने के लिए। हम लोग के बाद दसवा का चीट नहीं कटा है, नौवा चीट जेब में है, और आठवा नौवा सर गल्ला नहीं मिला है, अब यही समस्या है।
अन्याय चाहे थे सबका हक मिला है, जितने यहाँ पब्लिक जितने गल्ले रुका है आठवां महीना सबको गल्ला मिलना चाहिए। और तराजू जो है कांटा है हाँ तो उसको भी बदले, उसमें ये 5 किलो या किलो घटता है, जिसको 20 होता है तो 16 उतरता है, तो उसको आपको लेना है तो 40 में किलो खुशी से ले लो, कि हमारा घट रहा है, जिसका 40 हो रहा है तो भाई 1 किलो हमको खुशी से दो, जिसका 80 हो रहा है 2 किलो ले लो, इसको मिला के हर आदमी को ले लेगा तो आपका पूर्ति हो जाए, हम लोग की पूर्ति हो जाएंगे। और जब 20 में 4 घटेगा तो फिर आधा तो आप ही काट लेंगे। अब यही समस्या है, मैं उसको घर जा के कहा, अपने आगे फोन लगाया, फोन नहीं उठा तो घर गया, पर सरपंच से बात है आप थोड़ा हिसाब से काम करिए। और जिस गल्ला लेने गया मैं सोचा गल्ला ने उसी समय से चुक गया, अब पीछे वाला चीट हरा जाएगा तो गल्ला नहीं मिलेगा, चीट तो मेरे जेब में है और हरा जाएगा तो कहाँ मिलेगा। अब यही समस्या ऐसा सब कोई के ही चीज़ है। विधायक जो वहाँ के सिहावल के हैं वो भी ध्यान दें, क्योंकि 42 वर्षों से उन्हीं के केवल परिवार का कब्जा है। 77 के बाद से सिहावल विधानसभा रहा हो या सीधी विधानसभा रही हो, केवल उन्हीं का परिवार का कब्जा रहा हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विपणन संघ हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या भूमि विकास बैंक, उन्हीं का केवल कब्जा रहा है। उनको हम लोगों की केवल ये आशा और अपेक्षा है कि वो इस पर ध्यान दें, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक उन्हीं का सीढ़ी यहाँ से भोपाल तक है। तो जनप्रतिनिधियों का ही दायित्व तो बनता है कि वो मुस्लिम बाहुल्य गांव है और वहाँ के लोगों का वो ध्यान दें, क्योंकि वहाँ जो सिहावल विधानसभा के बड़े नेता हैं उन लोगों का उस गांव में या उसके आसपास के ही रहने वाले हैं, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस को हो, BSP को हो या इस समय और नई एक पार्टी उभर रही है, तो उनके आस पड़ोस के ही गांवों का ये दशा है। तो और ब्लॉक से लगा हुआ है, वहाँ SDM भी बैठते हैं, तहसीलदार भी बैठते हैं और भी कलेक्टर साहब का भी 10-15 दिन में दौरे होते रहते हैं। इसकी एक बार शिकायत कलेक्टर साहब से किया गया था, जिसमें वो बोले कि एक सेल्समैन को SDM ने कहा कि हमने हटा दिया है, चुनाव के टाइम पर शिकायत थी तो उन्होंने कहा था कि इसको हटा देंगे, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। तो इसमें कुछ घोलमाल लगता है कि प्रशासन की मिली भगत है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर सही जो हो सही कार्रवाई हो। धन्यवाद। हाजी निसार आलम, पूर्व जनपद सदस्य सिहावल।